बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में। आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। यार, मदीना मुनव्वरा में एक वाक़ पेश आया है। इससे पहले भी एक हायल शहर में ये वाक़ पेश आ चुका है, लेकिन ना अभी ये मदीना में वाक़ पेश आया है। मैं आप भाई के साथ इसे यहाँ पर वो वीडियो भी शेयर कर देता हूँ, जिसमें तकरीबन 4 अफराद की अभी तक वफात हो चुकी है और 6 अफराद जख्मी हो चुके हैं। और ये कंटेनर भी बाइक उल्टी हो गया था रोड के ऊपर आकर जाकर। तो बात यह है कि ये कंफर्म बात है, ये कोई खादी भाई होगा। तो साथ में यहाँ पर आपको मैं कुछ पिक्चर को वीडियो भी अभी दिखाता जाऊँगा। हुआ क्या ये भी आपको बता देता हूँ मैं। साथ में खिदमा के ऊपर जो साइड पर छोटा रोड होता है जिसे खिदमा बोलते हैं, तो उसके ऊपर देख लें जी, ये मरूर की गाड़ी भी जा रही थी साथ में। तो भाई बात यह है कि इसके मुतल जो तफसीलत ये आ रही हैं कि इस बंदे ने या तो कोई नशा किया हुआ था कि जिसको इतनी समझ ही नहीं आई कि आगे इशारा है, मैंने ब्रेक लगानी है, वो पीछे पीछे से अगर 70-80 के ऊपर आ रहा था तो वो वैसे ही आगे गुजर गुजरा है। जो गाड़ियां थी उनके मतलब भी पिक्चर आपको दिखा रखा हूँ, जहां बाद मैं शायद इस तरफ या इस तरफ। तो भाई गाड़ियों को भी इस बंदे ने कुचल दिया है, इसीलिए तो 4 अफराद और 6 जख्मी हुए हैं, 4 की वफात हुई है। या इस बंदे ने नशा किया हुआ था, या इस बंदे को यानी कोई अनजान बंदा बैठ गया था, उसको पता ही नहीं चला भाई कि मैंने यहाँ पर ब्रेक लगानी है, क्या वो उसका दिमाग माउफ हो गया। और जो अभी तक की तफसीलात सामने आ रही हैं, हालांकि मेरे हिसाब से अगर इन दोनों में से कोई मामला ना हुआ तो फिर अगर कोई सीनियर ड्राइवर भी बैठा हुआ तो फिर भाई ये ब्रेक फेल का मसला लगता है। लेकिन ब्रेक फेल का मसला होता तो वो गाड़ियों में ना इसको लगाता, वो कहीं और इसको लगा देता, किसी दीवार में कहीं और गिरा देता इसको, चलो मैं खुद जख्मी हो जाऊंगा तो दूसरे बंदे बच जाएंगे। लेकिन गाड़ियों के ऊपर सीधा चढ़ा दिया है, ये या तो अनजान आदमी था या इस बंदे ने कोई नशा वगैरह किया हुआ था, यही अभी तक की तफसीलात सामने है। बहरहाल एक वाकया अफसोसनाक सामने आया है और ये गैर मुल्की था, ये कन्फर्म बात है, क्योंकि आपको पता है बड़े जो ट्रेलर वगैरह हैं वो गैर मुल्की ही यहाँ पर चलाते हैं। तो इस भाई को अगर ये बच गया हुआ तो खुद को, तो भाई इसको एक लंबे अरसे के लिए जेल हो सकती है और हो सकता है कि यहाँ पर ही सारी उम्र गुजारनी पड़ जाए जेल में। प्रदेश है जी, इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर गौर कीजिए, नज़र रखिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया में ऐसे कोई भी गाड़ी के ऊपर मत बैठे जहाँ पर जिस गाड़ी के मतलब आपको इल्म नहीं है या आपके पास रुख्सा वगैरह नहीं है।